नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात के अंदर चल रहे विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से पहले बीजेपी में भारी बगावत। 12 से ज्यादा और बीजेपी के नेता बगावत कर चुके थे, जिसके बाद बीजेपी ने अपने इन नेताओं को निलंबित कर दिया है। इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईवीएम के बाद अब चुनाव आयोग ने जो है सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को लेकर के जो है सवाल खड़े किए हैं और इस पर चिंता जाहिर की है, किस तरह से इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि सीएए एनआरसी और तीन तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट के बीच उद्धव ठाकरे की कोर्ट से बहुत बड़ी जीत, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे गुजरात के अंदर चल रहे चुनाव प्रचार के बीच मनीष सिसोदिया का बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप, अब बीजेपी मीडिया वालों को डरा रही है, धमका रही है, यह आरोप लगाते हुए मनीष सिसोदिया ने बड़ा खुलासा किया है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों गुजरात में चल रहे विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान जो है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा का फिर से हिंदू मुसलमान का राग देखने को मिला है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों असम और मेघालय से बड़ी खबर सामने आ रही है। असम मेघालय सीमा पर फिर हिंसा देखने को मिली है, जिसमें अब तक 6 से ज्यादा लोगों की कैजुअल्टी की खबर है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र सरकार ने अर्णब गोस्वामी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली है, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात के अंदर विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही, तमाम पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही, तो वही खबर आ रही है कि बीजेपी के अंदर एक बार फिर से भारी बगावत देखने को मिली है। आप इस खबर को देख सकते हैं, गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने अपने बागी नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। भाजपा ने 6 बार के विधायक मधु श्रीवास्तव और 2 पूर्व विधायकों सहित 12 पार्टी नेताओं को निलंबित कर दिया है। इन्होंने विधानसभा चुनाव में पार्टी से टिकट न मिलने के बाद निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में नामांकन दाखिल किया है। यह कार्रवाई 1 दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण में निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में नामांकन दाखिल करने के लिए 7 भाजपा नेताओं को निलंबित किए जाने के कुछ दिनों के बाद की गई है। भाजपा की प्रदेश इकाई द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव के 5 दिसंबर के दूसरे चरण की सीटों पर पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले 12 नेताओं को गुजरात भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल द्वारा निलंबित कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों बीजेपी के अंदर गुजरात में लगातार बगावत तेज होती जा रही है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर के सवाल खड़ा करते हुए मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला किया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। जस्टिस के एम जोसेफ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा है कि तथाकथित स्वतंत्रता जो सिर्फ जुबानी सेवा है पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, कोर्ट भी उन पर सवाल नहीं उठा सकता क्योंकि कोई जांच नहीं है। ये बहुत बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को लेकर के चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा है कि एक के बाद एक सरकारों ने भारत के चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। कोर्ट ने इस बात का भी जिक्र किया कि 1996 से किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनाव निकाय के प्रमुख के रूप में पूरे 6 साल का कार्यकाल नहीं मिला है। 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि सीईसी और चुनाव आयुक्त को कैसे चुना जाए, इस पर संविधान की चुप्पी का सभी रंगों के राजनीतिक दलों ने फायदा उठाया है। अगर नियुक्त लोगों से व्यवस्था की बोली लगाने की उपेक्षा की जाती तो यह प्रासंगिक समय पर चिंता पैदा करता है। इसी के साथ साथ दोस्तों चुनाव आयोग के ऊपर एक और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग के कंधों पर बेशुमार शक्तियां हैं और केंद्र सरकार उसका फायदा उठाती है। यह बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। अब आप समझ सकते हैं कि खुद मोदी सरकार को लेकर के किस तरह से सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रहा है। ईवीएम के बाद ये दूसरी बार ये मामला सामने आया है, जिस पर अब चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही, जहां पर
नागरिकता संशोधन कानून एनआरसी और तीन तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जेडीयू के नेता पहुंच गए हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड के बड़े मुस्लिम नेता गुलाम रसूल बलियावी नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनआरसी और तीन तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। बलियावी केंद्रीय इदारा जो है इदारे शरिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इन तीनों मामलों में दरारे शरिया सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका और रिवीजन याचिका दायर कर चुका है। अगले महीने में इसकी सुनवाई होनी है। इस मामले में बलियावी के बोल पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जरूर हमला किया है, लेकिन दोस्तों ये बड़ी खबर है बिहार से, जहां पर एनआरसी सीए और ट्रिपल तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जेडीयू नेता पहुंच गए हैं। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, उद्धव ठाकरे को कोर्ट से बड़ी जीत मिल गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। आय से अधिक संपत्ति वाले मामले में उद्धव ठाकरे और उनके परिवार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट द्वारा खुद को उस मामले से अलग कर लिया गया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि उद्धव ठाकरे और उनके परिवार ने आय से अधिक जो है संपत्ति अर्जित की है। जानकारी के लिए बता दें कि गौरी भिड़े और उनके पिता द्वारा उद्धव ठाकरे और उनके परिवार के खिलाफ यह याचिका दायर की गई थी। आरोप लगाया गया था कि उद्धव की तरफ से आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई थी। उनकी पत्नी और परिवार के पूरे सदस्यों पर भी ऐसे ही आरोप लगाए गए थे। तर्क दिया गया था कि आम नागरिक को हक है कि उन्हें पता रहे कि उनके नेता कितने कमाते हैं, कितने पैसे कमाते हैं, उनके पास कितनी संपत्ति। आरोप ये भी लगाया गया कि उद्धव के परिवार के पास बेनामी संपत्ति है, लेकिन पुलिस द्वारा राजनीतिक दबाव की वजह से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर कोर्ट से उद्धव ठाकरे को बड़ी राहत मिली है और कोर्ट ने अपने आप को इस मामले से अलग कर लिया है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर गुजरात चुनाव से सामने आ रही, जहां पर आम आदमी पार्टी का बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप। चुनाव प्रचार करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कुछ टीवी चैनल वालों ने बताया कि बीजेपी ने उन्हें धमकी दी है कि अगर गुजरात में किसी भी चर्चा में आम आदमी पार्टी वालों को बुलाओगे तो बीजेपी उस चर्चा में नहीं आएगी। टीवी चैनल वालों ने काफी विरोध किया लेकिन बीजेपी नहीं मानी। बीजेपी वालों हिम्मत है तो सामने आओ, तुम तो पहले ही डर के भाग गए। यानी कि अब मीडिया को भी निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों गुजरात चुनाव प्रचार से ही, जहां पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का हिंदू मुस्लिम राग फिर देखने को मिला है। आप इस खबर को देख सकते हैं। अगर हिंदू एक शादी करता है तो दूसरे धर्मों के लोगों को भी एक ही शादी करनी पड़ेगी। गुजरात में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का यह बड़ा बयान सामने आया है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, असम मेघालय सीमा पर एक बार फिर से हिंसा देखने को मिली है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। विवादित असम मेघालय सीमा पर मंगलवार तड़के भड़की हिंसा के बाद सीमावर्ती जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इंटरनेट सेवाएं भी सस्पेंड कर दी गई हैं। इस हिंसा में एक वन रक्षक समेत 6 लोगों की कैजुअल्टी की खबर सामने आ रही है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली है। आपकी अपनी इस पर क्या राय जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।